जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, राइज ऑफ न्यू जापान। देखिए, रिसेंटली जापान ने एक स्टेटमेंट दी, जापान के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो लेस देन 1% है, इसको बढ़ाकर हम 2% तक कर देंगे। सुनने में हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट लगे, बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये 100% इंक्रीज है। इट इज नॉट जस्ट 1-2%, इट इज 100% इंक्रीज। और यहां पर एक और मुद्दा है कि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल और हमास वॉर चल रहा है जिसमें ईरान भी कूद चुका है, यूके और यूएस टेसिट सपोर्ट कर रहा है, नाटो सपोर्ट कर रहा है। इस तरफ जो है, अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें, चाइना ऑलरेडी कह चुका है कि ताइवान को बाय फोर्स हम कैप्चर करेंगे। कई बार ये चर्चा चलती है कि ये फ्रंट भी कभी भी खुल सकता है। और इसी में अगर ये खबर आती है कि जापान मिलिट्राइज होने की कोशिश कर रहा है, बहुत तेज़ी से अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है, ये अपने आप में ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल पीस के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके रीज़न क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और भारत का क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। इंडिया के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है जापान का मिलिट्राइज होना, या कह लीजिए उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। जापान का प्रेजेंट समझने के लिए थोड़ा सा हमें पास्ट में चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। देखिए, जापान में जो है 1870s में मैजी रेवोल्यूशन की बात की जाती है, जापान बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है। अब यहाँ पर 1910 में जाकर जो है इंपीरियल जापान की बात की जाती है। इंपीरियल जापान मतलब जापान जो है अपने जो प्रेजेंट उनका एरिया है वहाँ से वो एक्सपैंड करना शुरू करता है, वो अपने आसपास की टेरिटरीज को फोर्सफुली जो है कैप्चर करना शुरू करता है। एज यू कैन सी इन द मैप, उन्होंने जो प्रेजेंट डे मंचूरिया है, जो कह लीजिए चाइना में आता है, उसको कैप्चर किया, फिर उन्होंने इनर मंगोलिया कैप्चर किया, फिर चाइना का और एरिया कैप्चर किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 तक जो है उन्होंने जो जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापानीज की हेल्प ली, आज़ाद हिंद फौज बनाई सिंगापुर में, ये सारी कहानी जो है हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बट यहाँ पर जो है ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था इसमें जापानीज फोर्सेस पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, खासकर जो चाइना का एरिया है कोरियन पेनिनसुला में। आज भी उन चीज़ों को लोग याद करते हैं, उन जो कह लीजिए स्टोरीज को याद करते हैं और जापान के को लेकर जो है बहुत बुरा भला कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस वहाँ के लोगों के नहीं हैं। अब फाइनली क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ अलाइड पावर्स थी, एक तरफ एक्सिस पावर थी। अलाइड पावर जीती हैं, एक्सिस पावर हार जाती हैं, जिसमें जर्मनी था, जापान था। जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जापान को जो है डीमिलिट्राइज किया जाता है, ठीक है, जापान को डीमिलिट्राइज किया जाता है और जापान उसके बाद जो है एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, पैसिफिस्ट अप्रोच। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा या कह लीजिए एंड भी कहां पर हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराकर। अगर हम सीधा सीधा बात कहें कि पिछले 70-80 सालों से पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं अनसेट फियर है, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, पर एक ही देश ऐसा है जिसने एक्चुअल में न्यूक्लियर वेपन्स का ब्रंट झेला है और यहां पर वो जापान आता है। जापान ने अपनी पॉलिसी को पूरा चेंज किया, या कह लीजिए फोर्सफुली उसको करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यूएस के साथ एक डील थी कि यूएस की प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह जो है जापान काम करेगा। जापान मतलब जो है जो भी उसकी मिलिट्री नीड्स हैं, या मतलब मिलिट्रीली उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, यूएस करेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जापान जो है अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट पे करता है। तो 1945 से लेकर लेट 1960s तक, या कह लीजिए अर्ली 1970s तक, अगले 30 सालों में जापान इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया लेवल पर डेवलप होता है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर डेवलप होता है। जापान जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, जब यूएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और वहाँ के लोग इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं,
वहाँ के लोगों को लगता है कि हमें मिलिट्रली जो है पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी एक से है, जैपनीज़ कंपनीज़ की से है, जैपनीज़ लोगों की से है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कहानी चल रही है। अब आता है दौर 1970s का आखिरी में, 1970s का लेट 1970s में चाइना एक बहुत बड़ा स्टेप लेता है अंडर द लीडरशिप ऑफ डेंग शाओपिंग, जहाँ पर चाइना की इकोनॉमी को ओपन अप किया जाता है। पिछले 45 सालों में 45 ईयर्स में चाइना की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होती है, चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभर कर आता है। अब यहाँ पर एक थ्रेट दिखने लगा, जापान को ये लगने लगा कि एक बहुत पावरफुल देश जो कि सीधा सीधा यूएस को चैलेंज कर सकता है, करने की क्षमता रखता है, कर रहा है, तो वो हमारे साथ क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जापान की, जो वहाँ की लीडरशिप है वो इस चीज़ को भांपना शुरू करती है। तो वो अपनी ये जो पैसिफिस्ट अप्रोच थी, मतलब कि हम मिलिट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे वो उभर के बाहर आना शुरू होते हैं। अगर मैं डिस्प्यूट्स की बात करूं तो चाइना और जापान को लेकर, कुछ आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट भी है। अगर आप जापान का सदरन जापान को देखेंगे या प्रेजेंट जो ताइवान है उसका नॉर्थ में देखेंगे, तो एक सेट ऑफ आइलैंड है जिनका नाम है सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, क्या नाम है? सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड। तो ये सेनकाकू आइलैंड जापान बोलता है, और इसको चाइना, जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो दायू बोलता है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है वो बोलता है त्योतियाई। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन माइट बी डिफरेंट इन द चाइनीज, बट दीज आर द नेम ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो दोनों ही, या कह लीजिए तीनों ही, अगर तीन, एक तरफ ताइवान है, एक तरफ चाइना है, और एक तरफ जापान है, जो कि इस आइलैंड्स को क्लेम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम रशिया और जापान का डिस्प्यूट देखें, तो रशिया और जापान का भी आपस में आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। अब यहां पर जापान के नॉर्थ में चलते हैं। ठीक है, जापान को खतरा सिर्फ चाइना से ही नहीं है, जो आपका जापान को खतरा रशिया से भी है। अब यहां पर जापान के नॉर्थ में एक आइलैंड्स का नाम है क्यूराइल आइलैंड्स। ठीक है, क्यूराइल आइलैंड्स। तो ये क्यूराइल आइलैंड्स में ये जो दो आइलैंड आप देख सकते हैं जो रेड कलर में है, ये जापान कहता है कि हमारी टेरिटरी है, नदरन टेरिटरी वो इसको कहता है, बट रशिया कहता है ये जी कुराइल आइलैंड के पार्ट है। देखिए ये सेट ऑफ आइलैंड्स हैं, ये पूरे के पूरे क्यूराइल आइलैंड्स हमारे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट है। मैं आपको एक थोड़ा सा और थोड़ा हिस्ट्री में बता देता हूं। देखो, यहां पर जापान के पास 1855 में, ठीक है, 1855 में ये आइलैंड जापान के पास थे। फिर जैसे जैसे जापान ग्रोथ कर रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था, तो उन्होंने ये आइलैंड कैप्चर किए। अगले 20 सालों में 1875 तक ये वाले आइलैंड्स कैप्चर कर लिए। अब उनका ये कह लीजिए स्ट्रांग होल्ड चलता रहा। फिर 1945 में जब जापान डिक्लाइन करता है, तो ये सारे के सारे आइलैंड, जापान हार जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यहाँ पर ये सारे के सारे आइलैंड चले जाते हैं रशिया के पास, और फिर दोबारा से जापान यहाँ पर आ जाता है, यथास्थिति पे आ जाता है। तो अब आज भी जापान कहता है कि ये वाले आइलैंड हमारे हैं, हमारी टेरिटरी का पार्ट है। चलिए, और इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा खतरा है जापान को नॉर्थ कोरिया से। देखिए, नॉर्थ कोरिया एक कह सकते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, और इनको हमेशा से ये डर लगा रहता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसको चाइना और रशिया सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं साउथ कोरिया और जापान को, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस को कंट्रोल करने के लिए। अब इनका रिसेंटली इन्होंने जैसे मिसाइल लॉन्च करी, जो कि जापान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरा, और सीधा सीधा जापान जो है इससे थ्रेटेंड फील करता है। और साउथ कोरिया और जापान को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट्स रहे हैं, बट एक तरफ अब कॉमन जो थ्रेट है रशिया और चाइना का और नॉर्थ कोरिया का, उसको लेकर इवन साउथ कोरिया और जापान भी साथ में आ गए हैं। चलो, अब इस सारे जियोपॉलिटिक्स में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुई है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया को आइसोलेट कर दिया गया है पूरी वेस्ट की द्वारा, तो यहाँ पर उनकी सपोर्ट में आए हैं चाइना और ईरान। देखिए, ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स दिए जो है, और तरीके से सपोर्ट करा।
चाइना ने सपोर्ट करा, तो यहां पर एक नया एक्सिस उभर कर आ रहा है। रिसेंटली जिस तरीके से इसराइल ने हमास पर हमला किया और जिसको कि हमास को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है ईरान, और यहां पर रशिया भी टेसेटली जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में एक नया एक्सिस बन गया है। इस चीज को लेकर भी जो है जापान ये कहता है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, यूरोप के एक देश पर हमला करके यूरोप के एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से ईस्ट एशिया में हो सकता है फ्यूचर में। ईस्ट एशिया मतलब वो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये चीज हमारे साथ हो सकती है और अगर हमने मिलिट्रली ग्रो नहीं किया तो यहां पर वो इन सारी चीजों को देख रहा है और ये कह रहा है कि हमें मिलिट्री ग्रो करना जरूरी है। इस पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स में एक और रीसेंट फिनोमिना है, वो है यूएसए। मतलब कह लीजिए यूएसए एक वर्ल्ड पावर है। देखिए यूएसए की इकॉनमी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सीधा सीधा अगर हम कहें तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे यूएस का कंट्रोल धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। वो बेशक अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान में किस तरीके से यूएस फोर्सेस को लिटरली वहाँ से भागना पड़ा या जाना पड़ा, और उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस जो है रशिया यूक्रेन वॉर, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुई, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स इसराइल और हमास वॉर चल रही है, उसमें ईरान भी कूद चुका है, तो यहां पर प्रैक्टिकली जो कंट्रोल है यूएस का वो काफी हद तक वीक हो चुका है। रिसेंटली वहां की एक बहुत जो बड़ी पार्टी है जिसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन्स, जिसके सबसे बड़े लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी थे और दोबारा से भी कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि हम जो मिलिट्री एड दे रहे थे बाकी देशों को वो हम नहीं देंगे। इवन यूक्रेन को मिलिट्री एड देने के लिए उन्होंने मना किया, मतलब उसका अपोजिशन किया वहां की पार्लियामेंट में, वहां की सेनेट में और वहां के यूएस हाउस, यूएस कांग्रेस में। तो यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधा जापान ये कह रहा है कि आज तक आप हमें मिलिट्री सपोर्ट कर रहे थे, कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं या वैसे भी यूएस की पॉलिसी चेंज होती है, क्योंकि यूएस खुद अपनी इकॉनमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें मिलिट्री कहां से सपोर्ट करेगा। तो कल को हो सकता है यूएस कह दे कि जी भाई साहब हमारा हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं आपको हेल्प कर पाएंगे, तो उस केस में जापान क्या करेगा। उस केस में अगर रशिया और चाइना ने मिलकर या किसी भी देश ने जापान पर हमला किया तो क्या जापान के पास उतनी ताकत है कि वो रिटेलिएट कर सके, वो जवाब दे सके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है। सारी चीज़ों को अगर हम कंसोलिडेट करते हैं तो जापान जो है अब मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि हम अपना डिफेंस बजट डबल कर देंगे। अच्छा, अब आता है सवाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस बजट 1950 से 60 तक कांस्टेंट था, फिर ये बढ़ा $42 बिलियन। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि $42 बिलियन तो बहुत होता है, आप उनकी इकॉनमी देखिए $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज के समय पर, ठीक है, भारत से ऊपर है उनकी अर्थव्यवस्था, बहुत छोटा देश है कंपैरेटिवली। और इसमें आपको ये भी समझना है कि दो इनकी जो डिफेंस बजट है रिसेंटली अराउंड $68 बिलियन तक पहुँचा है, बट स्टिल उनकी जो जीडीपी है उसके अकॉर्डिंगली कम है काफ़ी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा दर्शा रहा है कि वो मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सर्वे भी किया गया, जापान के लोगों से पूछा गया कि क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि धीरे धीरे जापान जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहा है, जो है डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, और जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अपने आप पर कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बाकी देशों के लिए, वो भी ईज आउट कर दी गई हैं ताकि वहाँ की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और वहाँ के कह लीजिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े। उसको लेकर भी वहाँ की जनता भी उनको सपोर्ट कर रही है, वहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रही है, मतलब एक कहीं ना कहीं जनता भी उस चीज़ के फेवर में है, तो यहाँ पर सरकार जो है इस चीज़ को कर रही है। अब सवाल आता है कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, इंडिया कैसे इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखता है, ठीक है, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए इंडिया का इम्पैक्ट ये है कि सीधा सीधा जो इंपीरियलिस्टिक चाइना की बात की जाती है, अग्रेसिव चाइना की बात की जाती है, उसको काउंटर करने के लिए जापान का मिलिट्राइज होना भारत के लिए एक अच्छी बात है। भारत जो है क्वाड का ग्रुप का मेंबर है, क्वाड मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आते हैं,
और भारत का जापान का मिलिटराइज होना, वो कहीं ना कहीं भारत को एक हेल्प करेगा टू काउंटर चाइना। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इंडिया के फेवर में है। एक जो हमेशा से इंडिया कहता आया है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि 1991 के बाद हम ये कहने लगे कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का एक्सेस यूएस हो चुका है। दो पिछले कुछ सालों में चाइना ग्रो किया, रशिया ग्रो किया, बट जापान का ग्रो करना पावर इक्वेशन को बैलेंस आउट करेगा और सीधा सीधा यूएस भी सपोर्ट करता है। देखिए, यूएस को पता है कि वो बहुत लंबे समय तक जो देश हैं जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इनको मदद नहीं कर पाएगा, तो वो ये चाहता है कि इन देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खुद से डेवलप हो। ठीक है, खुद से ये देश जो हैं मिलिट्री जो है डेवलप हो। दूसरा जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आता है, यहाँ पर पोटेंशियल टू कॉपरेट मोर क्लोजली इन मिलिट्री मैटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के रक्षा मंत्री और जापान के जो कह लीजिए रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई रिसेंटली। यहाँ पर मुद्दा क्या है कि किस तरीके से, मतलब इंडिया भी मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, तो ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर एक्सपोर्ट मार्केट आपको जापान में मिल सकती है। जापान से हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, कलैबोरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली कलैबोरेट कर सकते हैं, तो ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी अच्छा है। क्योंकि देखिए, जापान हमेशा से भारत का बहुत क्लोज पार्टनर रहा है। अगर आप पिछले 75 सालों में देखेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको जापान की मिलेगी। अब जापान जो है मिलिट्रली भी भारत को सपोर्ट कर पाएगा या कलैबोरेट कर पाएगा, तो ये भारत के फेवर में है ओवरऑल अगर हम इसको देखें। तो ये था आज का एनालिसिस, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आपके क्या व्यू पॉइंट है, आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेकर, वो भी लिखिएगा। आपको लगता है कि इसका क्या और इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आपके इसको अलावा कोई और पॉइंट्स हैं, वो भी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी लोगों तक भी इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।